उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और किसके इशारे पर हो रहा है, केशव प्रसाद मौर्य ने बताया है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम न्यूज। केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने यूपी पॉलिटिक्स में बड़े उलटफेर के संकेत दिए हैं। आइए डालते हैं इलेक्शन 2024 लोकसभा चुनाव की एक यूपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर नजर, जहां मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है संकेत। बदलते मौसम के लिए तैयार रहें, यह सलाह ना तो किसी डॉक्टर की है ना किसी मौसम वैज्ञानिक की, बल्कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने एक बार फिर सियासी हलचल को बढ़ावा देने का संकेत दिया है। इस ट्वीट के बाद राजनीति के जानकार यूपी में बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना जता रहे हैं। दरअसल 24 फरवरी को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक तस्वीर को ट्वीट किया था। इस तस्वीर में मौर्य हरी भरी लॉन में फूलों के बीच कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने बस एक लाइन लिखी और वो लाइन थी, बदलते मौसम के लिए रहे तैयार। यह लाइन कोई राजनीतिक चेतावनी है या फागुन में फगुनाए मन की चूहल, या फिर बदलते मौसम के बीच विपक्ष और सपक्ष के मित्र अमित्रों को लेकर उनकी चिंता, इसका तो पता नहीं चलता है। हालांकि इस ट्वीट के बाद कई कयास लगाए जाने शुरू जरूर हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट पर समाजवादी पार्टी ने भी तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने लिखा, योगी जी अपनी कुर्सी छीनने का डर आज सदन में आपकी भाषा और चेहरे से साफ झलक रहा था। आप विपक्षी दलों पर नाहक ही नाराज हैं। आपकी कुर्सी के दुश्मन तो आपके दल के लोग हैं। यूपी के कौशाम्बी से लेकर दिल्ली तक आपकी कुर्सी पर खतरा है, लेकिन आप अपनी खीज विपक्ष पर निकाल रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं। हालांकि 2 साल पहले केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग इसी मौसम में बदलते मौसम वाले मुहावरे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जनवरी 2021 में कहा था, जैसे गिरगिट मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं, वैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव वोट के लिए रंग बदलने वाले नेता हैं। मौर्य ने इन विपक्षी नेताओं की मंदिर यात्राओं पर ये कटाक्ष किया था। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी अपनी रणनीति के अनुसार काम कर रही है, लेकिन इस बीच कई समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की अटकलें चल रही हैं। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य की एक तस्वीर और ट्वीट काफी चर्चा में है। ये चर्चा दारा सिंह चौहान के यहाँ पे शादी समारोह की तस्वीर सामने आने के बाद और जोर हो गई। इसमें दारा सिंह चौहान, भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर नजर आ रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इसके अलावा धर्म सिंह सैनी के बीजेपी में शामिल होने की भी अटकलें चल रही हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के यहाँ खिचड़ी भोज था। इसमें समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी देवी को देखा गया था। इन्हीं सियासी हलचलों के बीच केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट ने ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में काफी कुछ बदलने वाला है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।